इस वक्त पर बहुत ही दुखद समाचार जो है जो कि रियासी से निकलकर सामने आ रहा है और जिसमें तीन लोगों ने अपनी जान जो है वो खो दी है। यानी अगर हम बात करें तो तीन लोगों की मृत्यु जो है वो हो गई है। एक सड़क दुर्घटना जो है वो देखने को मिली जो कि रियासी में देखने को मिली। फिलहाल पूरी खबर क्या है विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है बनीश झा में और मैं हूँ आपके साथ में। सड़क दुर्घटनाओं की अगर हम बात करें तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं और उन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो अब हो चुका है। चाहे अगर हम बात करें वाहनों की, चाहे अगर हम टू व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर की बात करें या अन्य किसी भी वाहन की बात करें तो बहुत सी दुर्घटना जो है सड़क दुर्घटना जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल एक और दुखद मामला जो कि चवालू मोड के सामने से जो है वो निकल कर आ रहा है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि तीन लोगों की मृत्यु जो है वो हो गई है और तीन और जो है वो अभी काफी ज्यादा जख्मी जो है वो बताए जा रहे हैं। यानी अगर बात करें तीन अन्य जो शख्स थे वो अभी काफी ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं और ये इंसिडेंट जो है सुसाना एरिया रियासी में जो है वो देखने को मिला। फिलहाल अगर हम बात करें तो जब ये मामला देखने को मिलता है तो इन सभी को जो है जितने भी इंजर्ड है उन्हें जो है वो जीएमसी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया जम्मू, ताकि इनका इलाज जो है वो जल्द से जल्द हो सके। पर अगर हम बात करें तो उनमें से जो है वो तीन लोगों की मृत्यु होगी, काफी ज्यादा जख्मी जो है वो बताए जा रहे थे जिस वजह से तीन लोगों की मृत्यु जो है वो हो गई। वही अगर हम बात करें इसमें दुखद मामला ये है कि एक 10 साल के क्षमा कीजिएगा 10 महीने का एक बच्चा जिसकी मृत्यु हो चुकी है। यानी आप देखिए कि कुछ ज्यादा उम्र नहीं थी, अभी जो है उस दुनिया में जो है वो आया था, यानी 10 महीने ही जो है वो उस बच्चे को हुए थे और उसी बीच इस सड़क दुर्घटना में जो है वो बच्चा भी शिकार हो गया। फिलहाल अगर हम बात करें तो आपको बता दें पहचान की अगर हम बात करें जिन लोगों की मृत्यु होगी, एक का नाम जो है वो सद्दूर सिंह था। उम्र की अगर हम बात करें तो 19 साल उसकी उम्र थी, उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। और वहीं अगर हम बात करें कुलचा देवी जिसकी उम्र 27 साल थी और साथ ही साथ एक 10 महीने का बच्चा जिसकी जान जो है वो चले गई, जिस बच्चे ने ये सोचा नहीं था कि इसके साथ ये सब होगा। पर फिलहाल कहा यह जा रहा है कि एक इको गाड़ी थी और जो कि रात के समय जो है वो एक गहरी खाई में गिर गई, जिस वजह से जब पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है और इन लोगों को जल्द से जल्द जो है वो नजदीकी हॉस्पिटल लिया जाता है और उसके बाद जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू जो है वो लाया जाता है ताकि इन लोगों का इलाज जो है वो हो सके। पर फिलहाल दुखद समाचार ये है कि एक 10 महीने का बच्चा भी जो है वो इसमें था और पहले वो काफी ज्यादा घायल था। जब इन्हें हॉस्पिटल लिया गया तो इन तीनों की हालत जो है वो काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, जिस वजह से इन तीनों की मृत्यु जो है वो हो गई। वही तीन लोग जो है वो अभी बहुत ज्यादा जख्मी जो है वो बताए जा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट जो है वो अभी चल रहा है। फिलहाल तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग बाहर जाते हैं, खासकर अगर रात के समय कहीं बाहर जाते हैं, तो बहुत ध्यान से अपने वाहन को जो है वो चलाया करें ताकि ऐसी सड़क दुर्घटना जो है वो रोज रोज नहीं देखने को मिले, ऐसे और जो है ये हादसे नहीं हो, ताकि ये मासूम बच्चों की, मासूम लोगों की जानें जो है वो ना जाए। फिलहाल आप लोग इनकी आत्मा की दुआ जरूर कीजिए कि इनकी आत्मा को शांति जो है वो जरूर मिले। और आप लोग अगर कहीं जाते हैं तो कृपया अपने वाहन को जो है वो धीमी आंच पर चलाए ताकि कोई भी नुकसान आपको जो है वो नहीं देखने को मिला। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ।